ओके, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंशेंट ओएस वर्सेस चेरिस ओएस के बारे में। यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर एंशेंट ओएस 7.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर हमने MI2 डिवाइस के ऊपर चेरिस ओएस 4.5 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। दोनों हमके साथ जो क्या क्या डिफरेंस देने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोनों जो बिल्ड है तो एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। 5 February का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है देने को मिल गया है, एंड दोनों जो बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। दोनों रोम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेरिस ओएस एंड एंशेंट ओएस को जो है डाउनलोड कर सकते हो पोको F1 एंड MI2 डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में। देखिए बारे में पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है डिफरेंस देने को मिलता है, एंड दोनों रोम के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, बट एंशेंट ओएस के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर जो है सेटिंग्स मेन्यू के बारे में। देखिए बारे में पर जो एंशेंट ओएस के साथ जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर UI देने को मिलेगा, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन, बैटरी परसेंटेज के साथ साथ जो है टेम्परेचर का जो ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है एंशेंट ओएस के साथ जो है इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले एंशेंट UI का जो स्विच है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। इसे एनेबल करने के बाद इस तरह से डिफरेंस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सिनोस 13 का जो क्लॉक है आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर ऑक्सिनोस 13 का जो क्लॉक स्टाइल का जो ऑप्शन है इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पर जो है सरसबर स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर सके इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो थीम्स का ऑप्शन है, थीम्स के ऊपर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो डार्क थीम को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। इसे भी अगर आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो यही बारे में जो क्विक सेटिंग्स पैनल है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन है, प्लस One UI का जो स्टाइल है ऐड किया गया है। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो One UI का जो स्टाइल है यहाँ पर एनेबल कर पाओगे, प्लस ड्यूअल टोन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, पर अबाउट फोन स्टाइल का ऑप्शन है, प्लस जो सेटिंग्स का जो थीम है उस भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो होम पेज का जो थीम है उस भी आप कस्टमाइज कर पाओगे, प्लस यहाँ पर ब्लर बैकग्राउंड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर UI स्टाइल का ऑप्शन है, डेटा आइकन स्टाइल सरस पर आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, सिग्नल आइकन स्टाइल, आइकन पैक, वाईफाई आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर स्विच स्टाइल है, अलग अलग स्विच को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, प्लस थीमिंग सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मॉडर्न कस्टमाइजेशन UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अगर बात करें बट चेरिस ओएस के बारे में, तो यहाँ पर MI2 डिवाइस के साथ जो चेरिस ओएस के साथ भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑक्सिनोस 11 का जो सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है ऐड किया गया है। हमने यहाँ पर ऑक्सिनोस 11 को सिलेक्ट किया है, सिंपली ऑक्सिनोस 12 को सिलेक्ट करते हैं। ऑक्सिनोस 12 के साथ जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है UI के ऊपर चेंजेस देने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है जो चेरिस ओएस के साथ भी जो UI आप एनेबल कर सकते हो। बेसिकली अलग अलग जो है सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो थीम्स का जो ऑप्शन से काम करते देखिए पा रहे हो, पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम सिंपली ऑक्सिनोस 11 का जो UI है उसे एनेबल करते हैं, देखिए पा रहे हो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर चेरिस सेटिंग्स के ऊपर जो थीम्स के ऊपर जो है यहाँ पर जो है जो बेस लेआउट है प्लस होम स्क्रीन का जो लेआउट है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर UI स्टाइल क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है। सिमिलरली जिस तरह से आपको एंशेंट ओएस के ऊपर जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है देने को मिलेगा, सिमिलर स्टाइल है, सिंपली यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है, यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते इसे सिलेक्ट करने के बाद जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी चेंजेस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली डिवाइस को रीसेट करना होगा, उसके बाद जो है सेटिंग्स यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है चेंज देने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर एडवांस में टैप करके यहाँ पर जो सिस्टम UI में टैप करते हैं, उसके बाद जो है UI जो है यहाँ पर रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देने को मिल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो फोन को अनलॉक किया है एंड उसके बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है, देखिए पा रहे हो। एनीवे यहाँ पर मॉडर्न इंजन का ऑप्शन है, वाइब्रेट कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है।
यहाँ पर विविड कलर का ऑप्शन है, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर जगह इसमें ऐड किया गया है एंड काफी बढ़िया है। तो पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है दोनों रोम के साथ अवेलेबल है, बट एंशेंट ओएस के साथ जो है आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। बाकी देखिए पा रहे हो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है, अलग अलग ऑप्शन है, एक्चुअली सिमिलर ऑप्शन देखिए पा रहे हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग, सरस बार, बैड फ्री, लॉक स्क्रीन, यहाँ पर नोटिफिकेशन, एनिमेशन बटन्स, पावर मेनू गेस्चर्स, नेविगेशन बार एंड दोनों जो रॉम है काफी बढ़िया है। दोनों रॉम का ट्राई करके देखो, आपको काफी बढ़िया ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। एंड पोको F1 एंड MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके जो है दोनों रॉम को ट्राई करके देख सकते हो, इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देखो। एनीवे अगर बात कर लेते हैं पर बैटरी यूआई के बारे में, तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से बैटरी यूआई देने को मिलता है, पर जो है बैटरी यूजेस का ऑप्शन है, थर्मल मोबाइल का ऑप्शन है, बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, अडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड इस तरह से यूआई देने को मिलता है। एनीवे बात कर लेते हैं पर जो कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर एंशेंट वॉइस के साथ जो है सरस भर के साथ ऐसे भी ऑप्शन है, सरस भर आइटम्स का ऑप्शन है, सरस भर लिरिक का ऑप्शन है, बैटरी बार प्लस अदर सरस भर आइकन का ऑप्शन है, ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर जो है बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर सिग्नल वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड यहाँ पर चेरी सोएस के साथ जो है, यहाँ पर सरस भर के साथ जो है ऐसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, बैटरी आइकन स्टाइल प्लस बैटरी बार आइकन, डायनामिक सिस्टम बार का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डायरेक्ट डिजिटल आइकन का ऑप्शन है, वर्टी एंड वो वाईफाई का जो आइकन है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस यहाँ पर कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का ऑप्शन है, 4G आइकन का ऑप्शन है, माइक कैमरा, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का ऑप्शन है, प्लस ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बटन्स के ऊपर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है गेस्चर्स नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वॉल्यूम बटन के साथ जो डिवाइस को वेकअप कर सकते हो उसे भी ऐड किया गया है, एनिमेशन के ऊपर जो एनिमेशन स्टाइल प्लस पावर मेनू का जो एनिमेशन है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, एंड इवन लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है हाइट सरस भर का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, हाइट पावर मेनू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो रैपल एनिमेशन का ऑप्शन है, प्लस लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ब्लर है अभी यहाँ से जो है कस्टमाइज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है एनिमेशन के ऊपर, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, यहाँ पर एंशेंट ओएस के साथ जो है एंड्रॉइड पी का जो एनिमेशन है ऐड किया गया है, पर चार्जिंग एनिमेशन प्लस बट जो एनिमेशन स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बटन्स के साथ जो है टॉगल फ्लैश लाइट व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन, आप सिंपली पावर बटन के साथ जो फ्लैश लाइट को एनेबल कर पाओगे, यहाँ पर वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, शो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट का ऑप्शन है, वॉल्यूम परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस वॉल्यूम पैनल के साथ जो है अलग अलग जो स्टाइल है अभी से सिलेक्ट कर सकते, इसे भी ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है देखी पा रहे हो। एंड यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ जो डिवाइस को वेकअप कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है, पावर बटन के साथ जो है एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, डिजेबल पावर बटन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन से पावर बटन को डिजेबल कर सकते हो, गेस्चर्स के ऊपर जो है यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, एडवांस गेस्चर्स ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर नेविगेशन बार के साथ जो नेविगेशन बार स्टाइल का ऑप्शन है, ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार का जो ऑप्शन से काम करता है, पर बैक गेस्चर्स एनिमेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन, डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ भी अलग अलग जो स्टाइल है ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंशेंट ओएस के साथ। बाकी आपको दोनों रॉम में से कौन सा रॉम बढ़िया लगता है जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। दोनों रॉम के साथ जो ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको एंशेंट ओएस में देने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको चेरी सोएस में देने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों रॉम को आपको ट्राई करना चाहिए, दोनों रॉम जो है काफी बढ़िया है एंड दोनों रॉम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड चेरी सोएस एंड एंशेंट ओएस
दोनों नाम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर दोनों नाम को डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंटली हमने गोगल कैमरा 8.8 का जो फर्स्ट लुक का जो वीडियो है अपलोड किया है, सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देखो। एंड पोको F1 एंड MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके एंशिएंट ओएस एंड चेरिस ओएस का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है प्लस जो रिव्यू वीडियो उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।